भिवानी में पैक्स कर्मचारी संघ ने दो भिवानी कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के सामने अनिश्चितकाल धरना दे दिया है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जीएम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर प्रधान कमल अहलावत ने कहा कि वर्तमान में जो उनके जीएम हैं, वह कर्मचारी विरोधी नीति को अपना रहे हैं, जबकि वह उनके पुराने साथी हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही बड़ा खेद का विषय है। अपनी मांगों के बारे में कहा कि उनकी मुख्य दो मांगे हैं, जिनमें से एक उनकी वेतनमान की मांग है, एक दूसरी पैक्स कर्मचारियों में से ही प्रबंधक लगाने की मांग है। हमारी दो मांगे हैं जी, एक तो वेतनमान की मांग है जी, और एक है जी पैक्स कर्मचारियों में से पैक्स प्रबंधक लगाना जी। और इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जी 30/11/2016 को रोहतक में मांग की घोषणा कर दी गई थी, और इस बारे आवश्यक कार्रवाई 30/5/2017 को करके सभी सीबी मुख्यालयों को भेज दिया गया था। ताकि इनकी ये मांग मान ली गई है और इस बारे अगली सैलरी इनको दे दी जाए, और पैक्स कर्मचारियों में से जो सीनियर कर्मचारी होगा उनको पैक्स प्रबंधक नियुक्त करके चार्ज दे दिया जाए। परंतु भिवानी जिले को छोड़ करके बाकी पूरे हरियाणा के अंदर ये मांग लागू हो चुकी है जी। भिवानी के अंदर जीएम साहब से हम बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं जी, 4-5 बार हमने ज्ञापन दिया। जीएम साहब इस बारे आरएसएस का जिला अध्यक्ष होने के नाते बड़े गुमराह में उसमें हैं जी, ये बड़े खेद का विषय है। मैं घोषणा करता हूँ पुनः, अगर यहाँ मैंने हम आमरण की बजाय अगर आत्मदाह करना भी पड़ा तो मैं इस बैंक के सामने आत्मदाह करूंगा, और उसकी जिम्मेवारी सुरेश पाल जी जीएम की होगी, जो आरएसएस का अपने आप को यहाँ मुख्यमंत्री और तहसीलदार और सुपर मुख्यमंत्री कहलाता है, इसकी हम यहाँ प्रार्थना करते हैं।